तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश मिश्रा और आपको वेलकम करता हूं अपने ही गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग्स पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर एक बार आ गया हूं आपको कुछ बेसिक केयर्स बताने रोज़ प्लांट की। क्या आप जानते ही हैं कि इस समय जो विंटर्स का टाइम चल रहा है वो रोज़ प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। उनका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो इसी टाइम होता है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे मेरे प्लांट्स की अच्छी तरीके से ग्रोथ चल रही है, वैसे आप भी करो तो आपकी भी प्लांट्स की अच्छी तरीके से ग्रोथ चलती रहे। तो दोस्तों, अगर उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरे गार्डनिंग से रिलेटेड हर वीडियोज़ के मैसेज आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ ब्यूटीफुल सिनेमेटोज जो मैंने बनाए थे आपको दिखाने के लिए, वो आपने आई होप इन्जॉय किए होंगे। अब मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से अपने रोज़ प्लांट्स दिखा देता हूँ। मैंने वैसे इनके ऊपर काफ़ी केयर्स बनाई हुई इसके पहले, अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा है, आप जाके वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं पूरी। तो अभी मैं आपको देखिए आपके पूरे प्रॉपर जो मेरे पास मेरे घर पर खिले हुए हैं रोज़, मैं आपको उसको कुछ पिक्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा एक पिंक और थोड़ा सा वाइटिश टाइप का रोज़ है। इसमें जब बर्ड्स बनती हैं तो हल्का सा ये बेबी पिंक कलर का रहता है, यानी कि जैसे आप ये देख पा रहे हो ये आज का आज ही खिला हुआ है और ये जो हुआ है इसे कल खिले हो गया है। मतलब इसकी 2 से 3 दिन लाइफ रहती है इस वाले रोज़ की। इसके पेटल काफ़ी सॉफ्ट होती है तो ये थोड़ा जल्दी से गिर जाते हैं। तो इनकी वेराइटीज़ देखिए अलग अलग मैंने इसीलिए रोज़ लगाए हैं, देखिए कितने अच्छे होते हैं। इसमें मैंने आपको बताया भी था कि इसमें ऐसे बंचेस में फ्लावरिंग होती है। देखिए कि यहाँ पास लगा हुआ है, ये देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है। और देखिए इसके साथ ही साथ मैं आपको दूसरा भी अपना रोज़ दिखाता हूँ। ये देखिए ये रोज़, इस रोज़ में जो अंदर के साइड में आपको थोड़ा सा वाइट टच देखने को मिलेगा। देखिए आप ये अंदर साइड देख पा रहे होगे इधर, ये देखिए आप ये अंदर से थोड़ा सा वाइट रहता है तो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है। और जब मैं इनकी हाउ टू रिपोर्ट की वीडियोस बना रहा था तो ये कितने छोटे थे, अभी देखिए इनके साइजेस कितने ग्रोथ कर रहे हैं और एक प्लांट में काफ़ी सारे रोज़ आ रहे हैं। 1 से 2 प्लांट तो मेरे आराम से दोस्तों बन ही जाते हैं। देखिए इसमें अभी ये बर्ड्स आ रही हुई है, कितना प्यारा लग रहा है। प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। और देखिए मैंने जो दूसरी केयर्स की वीडियो बनाई थी, ये देखिए टाइगर रोज़ की, टाइगर रोज़ कितना प्यारा देखने को लग रहा है। आई होप कि आपको ये दिख पा रहा होगा। देखिए अभी पूरी तरह से ब्लूम नहीं किया है, फिर भी मैं वेट कर रहा था कि सारे रोज़ेस एक साथ से निकल के आए तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं। तो देखिए अभी ये सब निकल रहे हैं। और देखिए ये देसी वाला रोज़ेस है, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, इसमें भी काफ़ी बर्ड्स बन रहे हैं। देखिए ऊपर भी काफ़ी बर्ड्स निकलते ही जा रहे हैं, यहाँ से ग्रोइंग टिप है इसकी। तो ओवरऑल ये जो मेरे जितने भी रोज़ेस हैं मेरी इसकी सारी की काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो आज मैं आपको इन्हीं के कुछ बेसिक केयर्स के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप नर्सरी से ग्राफ्ट लगे हुए रोज़ेस लेके आते हो तो ग्राफ्ट लगने का मतलब ये होता है कि जो इंग्लिश रोज़ेस होते हैं उनको देसी रोज़ के ऊपर ग्राफ्ट लगाई जाती है, तभी वो अलग अलग कलर्स के बन पाते हैं। क्योंकि जब आप देख पाते हो कि अलग अलग जो शेड्स के रोज़ेस आते हैं वो इसी कारण से बन पाते हैं। और जो फॉरनर्स रोज़ होते हैं, इंग्लिश रोज़ होते हैं, वो इंडियन क्लाइमेट में काफ़ी कम सर्वाइव कर पाते हैं। इसी कारण होता है कि उन्हें जो है इंडियन रोज़ जो यानी कि देसी रोज़ होते हैं उनके ऊपर इंग्लिश रोज़ की ग्राफ्ट लगाई जाती है, तभी वो अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर पाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रोज़ क्या होता है, फिर वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा क्योंकि वो अपने जो क्लाइमेट्स को झेल नहीं पाएगा। क्योंकि जो अपना देसी रोज़ होता है वो तो अपन जो अपने क्लाइमेट होता है उसके अकॉर्डिंग बना हुआ होता है, तो अच्छी तरीके से अपना जो पूरा सीज़न है वो निकाल देता है। यानी कि जो मैं अगर आप डायरेक्ट रोज़ प्लांट्स लगाओगे अगर इंग्लिश रोज़ के, तो वो विंटर में तो अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा, बट जब अगर उसमें ग्राफ्ट नहीं लगाओगा तो अनदर सीज़न में वो डाई होने लगेगा। दोस्तों ये तो बात हो गई ग्राफ्ट की, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफ्टिंग एरिया होता कैसे है। देखिए अगर मैं आपको दिखा पाता हूँ, चलिए मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ ले चल के। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए ये ले आ दिया हूँ कि यहाँ से आप देख पा रहे होगे ये एक छोटा सा कट लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख रहे होगे आप ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ग्राफ्ट लगाई जाती है इसकी, और ये जो छोटी सी ग्राफ्ट लगाते हैं तभी ये पूरा जो प्लांट से अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाता है। तो ये ग्राफ्ट का ही पूरा काम होता है अच्छी तरीके से फ्लावरिंग को करना, क्योंकि इंग्लिश रोज़ में जो ग्राफ्ट लगाते हैं अपन देसी की, तभी अपने यहाँ पे अच्छे क्लाइमेट्स पे सर्वाइव कर पाते हैं और फ्लावरिंग दे पाते हैं।
तो अगर ग्राफ्ट के जो बिल्कुल बॉटम एरिया होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया है इस प्लांट्स के जो बिल्कुल नीचे जहाँ से ग्रोथ निकल रही होती है, अगर वहाँ से कोई दूसरी ग्रोथ अगर निकल रही है बिल्कुल जॉइंट होकर, अगर जो आपका वहाँ से जहाँ तना गया हुआ है अगर आपके वहाँ से कोई न्यू ग्रोथ निकल रही है, तो आपको उसका फ़ौरन काट देना है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वो शक्कर होती है, वहाँ से जो एक शक्कर निकलता है उसे शक्कर बोलते हैं अपन, तो वो जो होता है अगर आप उसे वहाँ से फ़ौरन नहीं काटोगे, उससे क्या होगा कि जो पूरा प्लांट्स अगर वो ग्रोथ करता है, तो फिर आपके ना प्लांट्स में अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी, ना ही फ्लावरिंग होगी, वो पूरा जंगली हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर जो बिल्कुल नीचे आपके जो बॉटम से अगर कोई भी रोज़ प्लांट्स के कोई भी ग्रोथ निकल रही है, जो बिल्कुल जॉइंट होकर निकल रही है रोज़ प्लांट से, उसको आपको फ़ौरन वहाँ से कट कर देना है, क्योंकि वो सकर होती है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है अपने रोज़ प्लांट के ऊपर। देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 की मैं बात करूँ, तो जब प्लांट्स में फ्लावरिंग आती है, जब फ्लावरिंग अच्छे तरीके से आपका प्लांट्स कर रहा होता है, उसके बाद जब उसमें बर्ड्स जो उसकी स्पेंट फ्लावर्स होते हैं ना, जो स्पेंट फ्लावर्स आप जैसे देख रहे हो अभी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर रहा है, इसके बाद जब इसका जो स्पेंट फ्लावर ये पूरा तरह से झर जाएगा, मतलब गिर जाएगा, तो जब इसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी, तो आपको करना है क्या, इसे तुरंत वहाँ से हटा देना है, या आप चाहो तो पहले भी इसे निकाल सकते हो। जब आपका प्लांट फ्लावर कर रहा होगा तो आप इसे, आप चाहो तो अपने यूज़ के लिए आप इसे निकाल सकते हो यहाँ से, पर अगर आप लगे रहने देते हो, अगर आपका प्लांट इसी तरह आपको ग्रोइंग अच्छा लगता है प्लांट में, तो अगर आप लगे रहने देते हो तो उस प्लांट्स के हटने के बाद आप उसे बिल्कुल यहाँ से काट दोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, फिर जैसे देसी वाले रोज़ होते हैं उसमें वो सीड्स बनाने लगता है, जो उनका यहाँ पीछे का एरिया होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो कि मैंने आपको दिखाने के लिए काटा नहीं है, तो ये जो इसका बैक साइड एरिया है, यहाँ पास ये सीड्स बनाने लगता है, तो ये जो सीड्स होते हैं फिर अनवांटेड फूड्स लेते हैं, अनवांटेड इसका जो फूड जाने लगता है इस सीड फॉर्मेशन में, तो फिर ये अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसे बिल्कुल आपको कट करते जाना है टाइम टू टाइम। जो आप इसे कट करोगे दोस्तों, तो आपको देखिए मैं आपको बता देता हूँ कट कैसे करना है। जो आप रोज़ प्लांट देख रहे होगे, इसको आप 1 से 2 स्टेप नीचे से कट करोगे, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ से न्यू ग्रोथ आ रही है, तो आप इसे थोड़ा सा नीचे से कट करोगे, तो इससे क्या होगा कि इसमें नए तरीके से बर्ड्स बनेंगे और काफ़ी लॉट्स में ये फ्लावरिंग करेगा, तो काफी अच्छा रहेगा। अगर आप ऊपर से इसे हटा दोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि फिर वहां से नई ग्रोथ नहीं होगी। दोस्तों अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की। देखिए आपको टाइम टू टाइम प्लांट्स को जो है अपने प्रून भी करते रहना है। अगर आप अभी जो जैसे इसका जो सीजनेबल टाइम चल रहा है विंटर का, ये अच्छी तरीके से ब्लूमिंग सीजन है इसका, तो आप इसे अगर अभी प्रून नहीं करते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि आप इसके सीजन स्टार्ट होने के पहले इसे थोड़ा सा प्रून कर देंगे तो इसकी जो ओवरऑल ग्रोथ रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। पर अगर जैसे आपका जो प्लांट्स होता है उसमें फ्लावरिंग कम आ रही है और उसकी जो ग्रोथ जैसे आप देख पा रहे हो वो जंगली, अगर आपको ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, उसमें बर्ड्स भी कम आ रही है, तो आप उसे ऊपर से थोड़ा सा सॉफ्ट प्रून कर दोगे तो अच्छा वर्क करेगा। क्योंकि अगर आप उसे हार्ड प्रून कर दोगे तो फिर पूरा टाइम वो अपने सीजन में ग्रोथ पे ले लेगा, समटाइम्स वो शॉक पे भी जा सकता है। अगर आप उसे हार्ड प्रून कर दोगे तो आपके प्लांट्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसे थोड़ा थोड़ा सा ऊपर टाइम टू टाइम सॉफ्ट प्रून करते रहना है, उससे आपकी नई ब्रांचेस और नई बर्ड्स आती रहेंगी। तो अपन बात कर लेते हैं दोस्तों टिप नंबर 5 की। तो देखिए ठंड के टाइम में इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है, तो आप इसे ऐसी जगह में रखें जहाँ इसे डायरेक्ट सनलाइट आती हो, क्योंकि इस प्लांट को अच्छी ब्लूमिंग करने के लिए 7 से 8 घंटे की तेज़ धूप चाहिए होती है, और आप जानते हो कि विंटर्स की जो धूप रहती है इतनी तेज़ नहीं होती है, क्योंकि प्लांट्स को इतना ज़्यादा हार्श नहीं पहुँचाती, इसलिए आप इसे डायरेक्ट सनलाइट पर रख सकते हो। अगर आप इसको अभी भी ऐसी कोई जगह पे रखे हो जहाँ पे शेड्स पे है, तो इसकी ओवरऑल ग्रोथ तो अच्छी चलेगी, पर इसमें कभी फ्लावरिंग्स नहीं आ पाएंगी दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसे डायरेक्ट सनलाइट पे रखिए जहाँ इसे 7 से 8 घंटे की धूप मिलती हो, तो फिर ये अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करने लगेगा। तो अपन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स टिप नंबर 7 की, जो कि है फर्टिलाइजेशन। तो देखिए आप जानते हैं कि जब आपको आपके प्लांट्स पे अच्छी तरीके से फ्लावरिंग्स हो रही हो, तो आप इस बात को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते कि आपको इसे हर हफ्ते अच्छी तरीके से खाद देनी है। अगर आप खाद पे लिक्विड फर्टिलाइज़र इसे दे पाते हो, लिक्विड खाद दे पाते हो, तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वो प्लांट्स को काफ़ी जल्दी मिल जाता है, जो सॉइल होती है काफ़ी जल्दी कैप्चर कर लेती है अंदर, तो वो प्लांट्स को काफ़ी जल्दी मिल जाती है। वैसे आप इसमें ऑप्शनली बहुत सारे फर्टिलाइज़र आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, मैंने भी काफ़ी फर्टिलाइज़र बताए हैं, जैसे कि बनाना पील फर्टिलाइज़र मैंने बताया है, और लिक्विडली आप यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा होता है। या फिर इसके अलावा अगर आप केमिकल यूज़ करते हो तो DAP NPK भी आप वीकली में यूज़ कर सकते हो, वो भी आपके प्लांट्स के लिए अच्छे रहेंगे। अगर आपके पास या आपके मार्केट पर कहीं आपको रोज़ फूड मिल जाता है,
जो स्पेशली रोज प्लांट के लिए आता है, तो वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रोज प्लांट में मैजिक की तरह काम करता है। मैंने उसकी वीडियोस बनाई है केयर की, आप जाके देखिए, मैंने आप बताया। तो अगर आपको रोज फूड मिल जाता है तो वो काफी अच्छा इसके लिए वर्क करेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 7 की, यानी कि वाटरिंग की। तो देखिए दोस्तों, आपको पानी देना है, तो पानी देते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि प्लांट्स में जो आपकी मॉइस्चर है हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। पहले से भी अगर जब आप उसे फर्स्ट टाइम पानी देंगे, जब आप दोबारा पानी देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसी ड्राई सॉइल नहीं होने देनी है। थोड़ा सा मॉइस्चर प्लांट्स को अच्छी लगती है, रोज़ प्लांट्स के खास करके, तो आपको उसकी थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल को मेंटेन रहने देना है। और आपको ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब कि आपको जो अपनी सॉइल को बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं बनाना है। उस कारण से क्या होता है, फिर अपना रोज ना ग्रोथ रोक देता है। मेरा मतलब कहने का कि जो उसमें बर्ड्स नहीं बनते हैं फिर फ्लावरिंग्स के, वो ओवर वाटरिंग के कारण ही होता है। तो आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना हो, पर बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, उसकी मॉइस्चर लेवल हमेशा मेंटेन रहे। क्योंकि अगर ज़्यादा वाटरिंग हो जाएगी तो उससे फिर फंगस लगने का खतरा रहता है। और जानते हैं आप फ्रेंड्स एक बात कि अगर रोज़ प्लांट्स को कोई फंगस लगती है, क्योंकि रोज़ प्लांट्स को बहुत जल्दी से पेस्ट वगैरह अटैक करते हैं और इसकी रूट्स में बहुत जल्दी फंगस लगती है, तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। दोस्तों बात करते हैं अपनी टिप नंबर 8 की। तो अभी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जैसे अभी मैंने आपको सारी केयर्स बताई, तो अभी तक सारी केयर्स हो गई है, बट अपन एक चीज़ हमेशा मिस कर देते हैं, वो ये है कि आप जो बाकी सारी केयर जो है अच्छे तरीके से करते हैं, फिर भी एक चीज़ हमेशा मिस कर देते हैं, वो है गुड़ाई करना। क्योंकि गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, इसे आप ज़रूर कर दिया करें अपने प्लांट्स पे टाइम टू टाइम, जिसमें से कि आपके प्लांट्स की जो रूट्स है उसमें अच्छे तरीके से एरिएशन बनी रहे और ऑक्सीजन भी अच्छी तरीके से उसे मिलती रहे। साथ ही साथ इसकी जो गुड़ाई अपन करते हैं ना, उसकी जो सॉइल होती है उसमें थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर अगर आप ऐड कर देंगे इसमें साथ पे गुड़ाई करने के बाद, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब जो फंगस लगने से उससे बचाए लेगा आपके प्लांट्स को, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप इस बात को तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है खास करके रोज़ प्लांट्स के लिए। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 9 की। तो मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि जो रोज़ प्लांट होता है इसके ऊपर पेस्ट बहुत जल्दी अटैक करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको हर वीडियोस में बताते हूँ कि आपको अपने टाइम टू टाइम हर प्लांट्स के ऊपर, मैं सिर्फ रोज़ की केयर की बात तो ही कर रहा हूँ, सारे प्लांट्स आपके जो भी आपके गार्डन पे लगे हैं आपके घर पे, तो आपको हर टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स पे पेस्टिसाइड स्प्रे करते ही रहना है। क्योंकि उससे क्या होता है, पेस्ट आपके प्लांट्स पे नहीं लगेंगे, तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और फ्लॉरिंग भी अच्छी आती रहेगी। तो आपको बिल्कुल भी पेस्ट लगने नहीं देना है अपने प्लांट्स पे, आपको हमेशा उसे पहले से ही ट्रीट करते रहना है। आप चाहो तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो, या फिर रोज़ के लिए आप केमिकल से अच्छा आप ऑर्गेनिक घर पे बना सकते हो। नीम ऑयल का जो मैंने बताया है वीडियोस, आप उसे यूज़ करोगे जिसमें पेस्ट लगने का चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो दोस्तों मैं आपको अपनी वीडियोस का लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, यानी कि टिप नंबर 10। तो आपको देखिए दोस्तों, अपनी जो रोज़ प्लांट होता है उसे एल्केलाइन सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, इसलिए आपको अपने रोज़ प्लांट के लिए एसिडिक सॉइल बनानी है। तो आपको एसिडिक सॉइल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने घर पे ही आप अगर जो एलम आती है, जो फिटकरी होती है, उसका पानी आप डाल सकते हो उसके ऊपर, या फिर जो वाइट सीडर विनेगर आता है आप उसको भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो, तो वो आपकी जो सॉइल को एसिडिक बना देगा। साथ ही साथ मैंने जो बताया था, आपके जो घर पर चाय पत्ती निकलती है, आप उसे ड्राई करके भी अपने रोज़ प्लांट्स पर गुड़ाई करने के बाद थोड़ा सा ऐड कर दो, तो काफी अच्छा आपके प्लांट्स के लिए वर्क करेगा। सो गाइस, मेरी बस यही छोटी सी केयर वीडियोस थी रोज प्लांट्स के ऊपर, कि आपके प्लांट्स भी अच्छे तरीके से ग्रोथ करते रहे। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल वाओ गार्डनिंग्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।